गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप फाइव क्लास में हैं और फाइव क्लास में जैसे पिछले सीरीज में मैं आपके बीच में क्या लगाया था कि आठवें सीरीज को मैं कंप्लीट किया था और आठवें सीरीज के बाद आज हम लोग हिंदी विषय से ही, क्योंकि हम प्रत्येक दिन विषय का परिवर्तन करना चाह रहे हैं, तो आज हिंदी विषय, कल फिर हम लोग देखेंगे और भी सब्जेक्ट हम लोग का चेंज होते जाएगा। तो हिंदी विषय में जैसे आप देखेंगे कि पांच से एक माँ की बेवशी किस तरह की होती है, एक माँ किस तरह बेवश होती है और बेवश होने के बाद कैसी बातों को सोचती है, किस तरह की भावनाओं को अपने मन में उतारती है और कैसे कैसे दृश्य उसके सामने प्रकट होते हैं एक बच्चे के प्रति, क्योंकि जब माँ विवश होती है तो विवश होने के साथ कई तरह की बातें सामने प्रकट होता ही है। इस कविता को पढ़ते समय हम लोग ये देखेंगे कि इस कविता में आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं और कई चित्र बनते हुए नजर आते हैं। बचपन का चित्र जैसे देखोगे कि बचपन में खास खेल और साथियों के चित्र तुम्हें नजर आएगा, कि जब छोटे बचपन में बहुत छोटे रहते हो तो तुम्हारे कुछ खास दोस्त होते हैं, खास माने फास्ट फ्रेंड होते हैं, और बचपन का चित्र, बचपन के खास खेल में एकदम साथियों का चित्र, उन साथियों में खास खास साथी, जिस साथी में जैसे रतन की बात आ रहा है। इस कविता को लिखने के लिए कुंवर नारायण जी ने लिखा है कि रतन और उसकी एक माँ का चित्र आंखों के सामने प्रकट हो रहा है, और आंखों के सामने जब प्रकट हो रहा है ऐसा चित्र रतन का और रतन की माँ का चित्र, तो इसे हम देखेंगे कि इसे पढ़ने के बाद हम ऐसे महसूस करेंगे और किस तरह की महसूस होगा हम लोगों के अंदर। कि कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज है, कविता को बहुत तेजी से बोलने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे पढ़ने की चीज होती है, उसे मन में उतारने की काफी समय लगता है, क्योंकि कविता जब हम पढ़ते हैं, कविता को जब आप पढ़ेंगे तो उस कविता को अपने अंदर उतार लेने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, अपने अंदर वैसी भावना, वैसी मनोवृत्ति, वैसी कल्पना अंदर कर लेनी चाहिए। कभी कभी तो वर्षों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं, ऐसे देखने के लिए मिलता है कि बचपन में जो हम कविताएं पढ़ते हैं कभी कभी वो पढ़ने के बाद काफी मजा आता है। जैसे आप लोगों का कविता, हम लोग को भी बहुत मजा आता है पढ़ने में, तो इसलिए मजा आता है क्योंकि इस कविता में कुछ ना कुछ है और कुछ ऐसी बातें हैं जो मन के अंदर उतारने वाली बातें होती है, और मन के अंदर जब बातों को उतार लिया जाता है तो कविता सुनने में और समझने में बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है। तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे, यह कविता जो है आप लोग ऐसे लग रहा है कि पहली बार पढ़ा है। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में यह कविता कोई भी हो वो अपना एक जगह बना लेती है, एक अपना स्थान बना लेती है। कविता किसी मौके पर, यह कविता क्या होती है, जो भी कविता आप सोचते हैं, जैसे आप भाषण देते हैं, कोई प्रतियोगिता में जाते हैं, किसी से बातें करते हैं, आपके मुख वाणी से यह कविता का दो लाइन निकल जाता है, सामने वाले को बात करने में, और सामने वाले से जब आप बात करते हैं तो बात करने में काफी आप में और उससे परिवर्तन नजर आ सकता है। लेकिन यह मन के अंदर उतारने वाली बातें हैं, थोड़ा सा याद रखने वाली बातें हैं। मैं बार बार आप लोगों को ये बात बताते रह रहा हूं कि आप कविता को याद रखते रहें, जितना ही याद रखेंगे आपकी जिंदगी उतना ही खुशहाल रहेगी, उतना ही आप मजे से, आप किसी भी जैसे एक भाषा पे आपका अच्छा पकड़ हो जाए तो निश्चित रूप से आपका किसी विषय वस्तु से पकड़ छूट नहीं सकता है। यह मेरा उम्मीद ही नहीं बल्कि मेरा एकदम श्योर आपके लिए चैलेंज है कि एक भाषा को आप अपनाने का प्रयास करें और मन के अंदर उसे उतारने का प्रयास करें, चाहे वो कोई भी भाषा हो, उसके बाद आप विषय वस्तु से एकदम उतर सकते हैं। तो आइए इस कविता में, जैसे इस कविता के में उसके साथ यह होता है, इसलिए इससे चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। एक बार अगर आप सुन रहे हैं तो पूरी तरह से आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, ये कोई मायने नहीं रखता है, मगर हम उसमें देखेंगे कि उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है, कविता समझिए कि कामयाब है। अगर एक भी चित्र आपके मन में उभरा तो ये कविता पढ़ना और कविता सुनना आपके लिए कुछ सार्थक साबित हुआ। तो हम इस कविता में देखेंगे कि आखिर में कुंवर नारायण जी हम लोगों के बीच में किस तरह की बातों को करने का प्रयास कर रहे हैं, और रतन की कौन सी ऐसी बात है, रतन की माँ की कौन सी ऐसी बात है जो उनको उनके अंदर एक तरह से कचूट रहा है, एक तरह से उनके अंदर प्रेरित कर रहा है, और जिसे कविता में उतारने का कुंवर नारायण जी ने काम किया है। तो देखिए इसमें हम कविता में देखेंगे कि न जाने किस अदृश्य पड़ोस से, न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था वह, न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था वह, खेलने हमारे साथ
खेलने किसके साथ आता था? हमारे साथ, यानी कभी बता रहे हैं कि किस अदृश्य पड़ोस से, माने उसको हम देख नहीं पाते थे कि किस पड़ोस से वो आता था, अदृश्य जो दिखने वाला नहीं था वैसे पड़ोस से वो आता था और वह निकल कर आता था खेलने हमारे साथ। उसका नाम क्या था? रतन, जो बोल नहीं सकता था, रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ। रतन ऐसा लड़का था कि जो बोल नहीं सकता था लेकिन खेलता था हमारे साथ। कभी यहां बता रहे हैं कि न जाने किस पड़ोस से निकलकर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो वह बोल ना सकता था खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। कैसा खेलता था? एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की ही तरह, एक टूटे खिलौने की तरह देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा। वह भी क्या था? एक बच्चा ही था लेकिन एक टूटे खिलौने की तरह था और देखने में हम बच्चों की तरह ही वह भी नजर आता था, लेकिन वह भी एक बच्चा ही था, तो था वह भी एक बच्चा लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था। और रतन जो था हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। वह हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि वह हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, न इशारों में कहें उसकी बातों को। हम उससे घबराते तो थे, हम उसको समझ भी नहीं पाते थे। क्यों नहीं समझ पाते थे? क्योंकि न उसके इशारों को समझ पाते थे, न उसकी बातों को समझ पाते थे, न उसकी भयभीत आंखों में, न उसके इशारों में कहें उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर, हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। आप समझ रहे हैं इस बात को? न हम उसके इशारों को समझ पाते थे। कभी का कहना है कि न हम उसके इशारों को समझ पाते थे, न हम उसके बातों को समझ पाते थे और न ही उसके भयभीत आंखों को हम समझ पाते थे। हर समय दिखती थी उसके अंदर की छटपटाहटों को, यानी उसके अंदर हर समय एक तरह की अजीब छटपटाहट हुआ करता था, तो उसकी छटपटाहटों को हर समय दिखता था। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ, जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसकी खेलना। जितना देर वह हम लोगों के बीच में खेलता था उतनी देर तक उसकी माँ रहती थी और उसकी माँ एक टकी निगाहों से उसके खेल को निहारते रहती थी, देखते रहती थी और इसलिए देखते रहती थी। अब जैसे जैसे, लेकिन अब रतन का क्या हुआ कि अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूं, जब अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूं उसकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, उसकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं याद आती है, याद आती है रतन से अधिक उसकी मां की आंखों में झलकती उसकी बेवसी। यानी जो गूंगा हो, बोल नहीं सकता हो, और बोल नहीं सकता हो तो उसके बातों को कैसे समझना होगा? तो कुंवर नारायण जी जो जब समझना शुरू कर दिए, जब समझने लगे उस रतन की बातों को, तो रतन की बातों को समझने के साथ उसकी भाषा को जो बोल नहीं पाते हैं, वैसे जो भी नहीं बोलने वाले लोग हैं उनकी भाषा को समझने लगे कि जो बोल नहीं पाते हैं याद आती है रतन से अधिक, याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेवसी। उसकी माँ की आंखों में एक तरह की बेवसी नजर आती है, एक झलकती हुई बेवसी नजर आती है जो अपने बच्चों के लिए वो काफी बेवस है और इतनी बेवस है कि बेवस होने के साथ वे अपने बच्चों से स्नेह तो रखती है लेकिन मन ही मन उसके अंदर एक भावना हमेशा घिरते रहता है कि आखिर उसका बच्चा क्यों नहीं बोल पाता है और बच्चों की तरह वह सामान्य क्यों नहीं हो पाता है। फिर भी उसकी बेवसी है कि वह विवश है उसकी माँ, वो कर भी क्या सकती है क्योंकि उसके बस का तो बात है नहीं, यह तो प्रकृति की बात है, प्रकृति का काम है। तो ऐसे बच्चों में आप लोगों को एक बात स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि आप ध्यान रखें कि कोई भी बच्चा यदि आप लोगों के बीच में खेलना इस तरह पसंद करता हो लेकिन वह किसी न किसी प्राकृतिक परेशानियों का सामना कर रहा हो तो आपको उसमें थोड़ा सा सहयोग करना चाहिए। इसलिए सहयोग करना चाहिए क्योंकि न जाने कब किसके साथ किस तरह का प्रकृति खिलवाड़ कर सकती है और प्रकृति के चपेट में वह किस रूप में कैसे परेशान कोई हो सकता है। इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए हमें दूसरे परेशान व्यक्तियों का सदा समर्थन करना चाहिए, साथ देना चाहिए और सहयोग की भावना मन के अंदर बनाए रखना चाहिए। और जो मन के अंदर इस तरह की भावना को बना के नहीं रखते हैं
उनके साथ भी परेशानियां आ सकती है, इसलिए परेशानियों से बचने के लिए और जो भी परेशान है उसे सुविधा देने के हर संभव आपको भी प्रयास में रहना चाहिए। ऐसे चित्र आपके मन में होना चाहिए, रतन की स्थितियों को समझना चाहिए कि रतन इस तरह की स्थिति में उसकी माँ कितनी विवश है, कि रतन को देखकर अपने आप में वो क्या क्या सोचती होगी, कैसे सोचती होगी, ये तो आप कल्पना भी कर सकते हैं। तो चलिए, इसमें कुछ प्रश्न है जिस प्रश्न का उत्तर आपको बनाना है, जैसे प्रत्येक दिन की भांति इसमें आज भी आपको प्रश्न का उत्तर बना के अपने पेरेंट्स के मोबाइल से फोटो लेकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे, मैं उसको फिर चेक करके आपके पास तक दिखाऊंगा कि आप कितने सही कर रहे हैं और कितने गलत कर रहे हैं। बहुत लोग भेज रहे हैं, बहुत कम ही लोग हैं जो नहीं भेज रहे हैं, वे लोग भी या तो नहीं देख रहे हैं या देख के भी घर पे काम नहीं करना पसंद कर रहे हैं, इसलिए आप घर के अंदर सुरक्षित होकर काम करते रहें और प्रश्न को नोट करें। सबसे पहले कविता से एक प्रश्न है आपका कि यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, कवि जो कुंवर नारायण जी है इनके पड़ोस में रहता था, तो इनके पड़ोस में रहता था फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है, इसके कई अर्थ हो सकते हैं। अदृश्य पड़ोस का मतलब कि जिस पड़ोस के का वो दृश्य दिखाना नहीं चाहते हैं, कैसा अदृश्य पड़ोस होगा इसमें। जैसे क नंबर प्रश्न है आपका कि कवि को मालूम नहीं था कि यह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता था, कभी ये जानते नहीं थे, कभी ये जानते थे कि मेरे पड़ोस का ही है, लेकिन यह ठीक ठीक पता नहीं था कि किस घर का वो बच्चा है। दूसरा प्रश्न आप लिखेंगे कि पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे और पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों से एकदम बिल्कुल अनजाना था। इन दो में से कौन सा अर्थ तुम्हें ज्यादा अच्छा लगता है, क्या कोई और अर्थ भी हो सकता है? तो अगर दो में से जो ज्यादा अच्छा लगता है उसको आपको लिख के भेजना है, और नहीं तो इसके अलावा भी कोई इससे अच्छा शब्द आपको लगता है, कोई और भी अर्थ अच्छा लगता है तो आप उसको लिख के भेजेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न आप नोट करें कि अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती थी। तो इसका क नंबर विकल्प है चमक के रूप में, ख में है डर के रूप में, और घ में है जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में। इसमें कौन सा होगा विकल्प, उसका आंसर आपको लिखना है। फिर आपको तरह तरह की कुछ भावनाएं हैं, तो तरह तरह की भावनाओं में आप समझ रहे हैं कि नीचे लिखी गई भावनाएं कब या कहां महसूस होती है, जिसमें क में है कि छटपटाहट आप समझ रहे हैं। छटपटाहट जो शब्द है इसमें जैसे अधीनता एक आता है कि कहीं जाने में जल्दी हो और जाना संभव ना हो, जैसे स्कूल की छुट्टी में अभी काफी देर हो, स्कूल की छुट्टी है अभी काफी देर हो, पर घर पर ऐसा कोई मेहमान आने वाला हो जिसे तुम बहुत पसंद करते हो, तो बताओ कि उस समय क्या करोगे। और इसके बाद इच्छा के रूप में अगर आपके अंदर प्रकट होता है तो इच्छा में क्या लिखेंगे कि जैसे किसी चीज की पाने की इच्छा हो, कोई भी वस्तु हो और उसे पाने की इच्छा हो, और जब वस्तु को पाने की इच्छा हो पर वह तुरंत न मिल सकती हो, जैसे भूख लगी हो और खाना तैयार नहीं हो, तो क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। और तीसरा एक संदेश के रूप में आपको बनाना है कि हम कोई संदेश देना चाह रहे हो पर दूसरे समझ ना पा रहे हो, यानी हम कुछ बातें बताना चाह रहे हो और मेरी बातों को दूसरा समझ नहीं पा रहे हो, जैसे शिक्षक से कहना हो कि घंटी बज गई है अब वह बंद करें, यानी पढ़ाना क्या करें शिक्षक बंद करें, पर उन्हें घंटी सुनाई नहीं दी हो, तो आप क्या करोगे, ठीक है। और ख नंबर में है, ये तो छटपटाने की बात हुई कि मन मन आप छटपटाएंगे तो क्या क्या करेंगे। अब घबराहट कुछ बातें आती है, यानी कि घबराहट से संबंधित कुछ बातें होती है जिसमें आप हमें जब किसी बात की आशंका हो तो घबराहट महसूस होती है, जैसे में आप देख सकते हैं कि अंधेरा होने वाला हो और हम घर से काफी दूर हो और भी अकेले हो, तो घबराहट तो होती ही है। ख नंबर है आपका कि समय कम हो और हमें कोई काम पूरा कर लेना हो, जैसे परीक्षा में देखा जाता है कि कम समय में जल्दी पूरा कर लेना होता है, तो वहां एक घबराहट महसूस होता है। इसके बाद ग नंबर है कि यह डर हो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा हो, तो एक तरह की अंदर घबराहट होती है, जैसे पापा को मालूम चल गया हो कि कांच का गिलास तुमने तोड़ा है, तब क्या होता है कि आपके मन में एक तरह का घबराहट उत्पन्न होता है। तो इस तरह से आपका
पहला प्रश्न कंप्लीट होता है, आप दूसरा प्रश्न लिखेंगे, कुल आपको तीन प्रश्न ही देंगे। तो दूसरा प्रश्न लिखेंगे कि जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है, इसके बारे में आप अपनी कल्पना करके या कविता के माध्यम से लिखेंगे। और अंतिम और तीसरा प्रश्न जो है आपका कि थोड़ी घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, रतन क्या सोचकर घबराता होगा, इसको लिखना है, रतन क्या सोचकर घबराता होगा। और अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन क्या सोचकर और किस बात को करने में ज्यादा घबराता है, कारण का भी पता लगाना है कि किस किस कारण से वो घबराता है। और इतने प्रश्नों का उत्तर आप लिखेंगे और लिखने के बाद आप अपने पेरेंट्स के मोबाइल से फिर फोटो लेंगे, फोटो लेकर क्या करेंगे मेरे व्हाट्सएप पर भेजेंगे। और आज के लिए मैं इतना ही पे आपका आज का क्लास समाप्त करता हूं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।